रांची में सेना भूमि घोटाला केस में डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से आज पूछताछ हो रही है। अपने समय पर वैभव मणि त्रिपाठी 10:40 में ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उन्हें ईडी ने समन भेजकर 1 मई को पूछताछ के लिए तलब किया था। गौरतलब है कि 13 अप्रैल को जमीन घोटाले केस में छापेमारी के बाद ईडी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में जमीन घोटाले में सरकारी पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। ईडी ने उसी एंगल से मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस केस में IAS छवि रंजन से भी पूछताछ हो चुकी है। सेना जमीन बजरा के खाता संख्या 140 व चेशायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के मामले में ईडी ने रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से 1 मई को पूछताछ प्रस्तावित किया था। त्रिपाठी पूर्व से ही ईडी के रडार पर थे। नवंबर में पहली बार ईडी की टीम ने वैभव के ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद विवादित जमीन की रजिस्ट्री को लेकर ईडी ने वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की थी, लेकिन 13 अप्रैल को छापेमारी के बाद जमीन घोटाले में ईडी को नए तथ्य हासिल हुए हैं। इसके बाद ईडी ने नए सिरे से डिप्टी रजिस्ट्रार को समन किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।